तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के दिनों में एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई थी जो कि एक मास्टरपीस सीरीज थी। जिन लोगों ने भी इस वेब सीरीज को देखना स्टार्ट किया था, उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि यह सीरीज कितनी ज्यादा बवाल है और इस सीरीज की कहानी कितने ज्यादा ओपी लेवल की है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ असुर सीरीज के। तो इसके सेकंड सीजन को रिलीज कर दिया गया है पूरे 3 साल के बाद। मतलब इस सीरीज के लिए फैंस ने काफी ज्यादा वेट किया है, क्योंकि इसके पहले सीजन का जो एंडिंग था ना, वो ऐसे क्लिप हैंगर पे एंड हुआ था कि फैंस की एकदम सांसें अटक गई थी। और सभी फैंस का बस यही कहना था कि वो जल्द से जल्द इस सीरीज का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं इसके पहले सीजन का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि इसका पहला सीजन कितना ज्यादा बवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इसका दूसरा सीजन भी उतना ही ज्यादा बवाल है, और क्या इसके दूसरे सीजन को भी देखकर फैंस को उतना ही मजा आएगा जितना कि पहला सीजन को देखकर आया था। अब इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको यह सीरीज नहीं देखना होगा। आप पहले मेरा रिव्यू देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको यह सीरीज देखना है या फिर नहीं देखना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सीजन के बारे में। तो देखो, असुर 2 एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एक ऐसे किलर की कहानी को दिखाया गया है जो खुद को एक असुर मानता है जिसका नाम कली होता है, और वो इस दुनिया को तबाह करके एक नए युग बनाना चाहता है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके लिए आपको इसका पहला सीजन देखना होगा। तो इसी सीरियल किलर का केस सीबीआई के पास जाता है और सीबीआई इस केस पर काम करती है। मतलब जिस लेवल की स्टोरी को दिखाया गया है ना इस सीरीज में, वो आपने आज तक किसी भी सीरीज या फिर मूवी में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस मूवी में हिंदुइज्म से जुड़ी हुई वेदों से कहानी लिया गया है जिसको फ्यूचर टेक से जोड़ के स्टोरी को दिखाया गया है हमें इस सीरीज में। और उस स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो प्रेजेंटेशन था ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। मतलब जिस तरह से मूवी में मर्डर्स को प्लान करते हुए दिखाया गया है या फिर केस को सॉल्व करते हुए दिखाया गया है, वो आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का थ्रिल देती है। बात करें अगर सभी एक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में, तो सभी एक्टर्स ने इस सीरीज में काफी अच्छा काम किया है। अब चाहे वो साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, सबकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सभी कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क काफी ज्यादा अच्छा था, और सभी कैरेक्टर्स का इस सीरीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब आप किसी भी कैरेक्टर को देखकर आप ये नहीं कहोगे कि इसका रोल कम था, और अगर ये नहीं होता तो भी चलेगा। इसके राइटर ने इतने ज्यादा टाइट राइटिंग की है ना कि आप इस सीरीज को देखते हुए जरा सा भी बोर नहीं होगे। और इस सीरीज को देखने के बाद मैं अरशद वारसी का फैन बन गया हूँ। मतलब बंदे को सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि सीरियस एक्टिंग भी आती है, और ऐसे रोल उनको और भी करना चाहिए। अब बात करते हैं सीरीज के एंडिंग के बारे में कि एंडिंग कैसा था इसका। देखो, इसका एंडिंग इतना ज्यादा जबरदस्त था ना कि आप एंड तक सोच नहीं सकते हो कि क्या होने वाला है। और यही इस सीरीज का सबसे खास बात है कि आप इसकी स्टोरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी इसका एंडिंग इस नोट पे किया गया है कि इसका थर्ड सीजन भी आएगा, लेकिन अगर जिन लोगों को ज्यादा सीजन पसंद नहीं आता है तो उन लोगों को ये सेकंड सीजन देखकर एक एंड का भी फीलिंग आया। भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इसका एंडिंग काफी ज्यादा क्रेजी है। अब बात करते हैं इसके उस सवाल पर कि क्या यह दूसरा सीजन पहला सीजन से ज्यादा अच्छा है या फिर पहला सीजन ही अच्छा था। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि इसका दूसरा सीजन मुझे और भी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस सीजन में इसकी स्टोरी को और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाया गया है, जिस वजह से आपको इस स्टोरी को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। बाकी इस सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट भी था जो कि आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने फील किया होगा, और वो ये है कि जब आप इसके दूसरे सीजन को देखना स्टार्ट किए होंगे तो आपको इसके पहले सीजन का स्टोरी याद नहीं होगा। देखो, ये मेरे साथ भी हुआ था और मुझे भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा बुरा है, वो ये है कि इस सीरीज का अच्छे से प्रमोशन नहीं किया गया है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि इसका दूसरा सीजन आ गया है। मतलब यार, तुमने एक मास्टरपीस सीरीज बनाई है तो इसको अच्छे से प्रमोट करो ना। लेकिन मोटा भाई की वजह से इसको सिर्फ जियो सिनेमा पर फेंक दिया गया है। अब जिसको पता होगा कि ये सीरीज आई है वो लोग इस सीरीज को देखेंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो इस सीरीज को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं हूं ना आप लोगों को बताने के लिए कौन सी सीरीज या फिर कौन सी मूवी आ रही है। तो इसीलिए आप लोग बिंदास रहो, अपुन है ना इधर, अपुन सब देख लेगा। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो तुम, वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर दो यार, एक मिनट भी नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में। अब चैनल सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपने सीरीज को देख लिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको यह सीरीज कैसी लगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।